हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं और संविधान की पृष्ठभूमि से संबंधित क्वेश्चंस। हमारा संविधान कैसे क्या निर्मित हुआ और कैसे क्या उसके बारे में, और उसके हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन से संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को, तो क्या हुआ था, हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। क्या हुआ था, बनके तैयार हुआ था, जिसमें हमारे कुछ अनुच्छेद लगा दिए गए थे, 16 अनुच्छेद। उसके बाद हमारा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, और 20 फरवरी 1947 को, और 26 जुलाई 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 26 जुलाई 1946 को हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो 22 जनवरी 1946 को हमारा संविधान जो है वो पारित करने का, सभा को पारित करने के लिए दिया गया था। ठीक है, क्या करने के लिए, पारित करने के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, वो दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब दिया गया था, 22 जनवरी 1947 को दिया गया था। कब दिया गया था, 22 जनवरी 1947 को दिया गया था। और जिसको ये क्या हुआ था, उस दिन 22 जनवरी 1900 संविधान सभा को, संविधान सभा पर उस समय उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, उसे ही क्या किया गया था, उसे क्या किया गया था, उस प्रस्ताव को संविधान सभा में पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, BN राव ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब द्वितीय बैठक होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका क्या किया था, उसका प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, उसे स्वीकृत मिली थी। भीमराव अंबेडकर जानते ही हो, भीमराव अंबेडकर क्या थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। महात्मा गांधी क्या हुए थे, महात्मा गांधी द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 7, 12, 9, 15। तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। कितने हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। क्या लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, 2 वर्ष 7 माह 30 दिन लगा था, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन लगा था, कि 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, 5 दिन लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और इस पे कितनी टोटल 12 बैठकें हुई थी, कितनी 12 बैठक टोटल हुई थी संविधान सभा की, कितनी बैठक हुई थी, 12 बैठक हुई थी, और 3 वाचन हुए थे। कितने, 3 वाचन हुए थे इसके, 3 वाचन हुए थे। ठीक है, 3 वाचन हुए थे, और जबकि प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 हुई थी। ठीक है, कुल अधिवेशन 12, कहीं कहीं 12 भी मिलते हैं, लेकिन 11 भी सही है, क्योंकि 11 सबसे ज़्यादा सही है। 11 कुल बैठकें इसकी कितनी हुई थी, 11 ही हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो प्रांतीय जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जो थे वो प्रांतीय संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? नहीं, ये तो प्रारूप समिति के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू? नहीं, ये तो ये क्या थे, ये उसके थे, ठीक है। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से बचते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि इन्होंने ही सभी प्रांतों को मिलाने का काम किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, कि राजगोपालाचारी थे? तो कौन थे प्रारूप समिति के? वो थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जोन थे वो क्या थे? उन्हें क्या किया गया था? उन्हें केवल उपाध्यक्ष, जबकि उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको? उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के सदस्य को अध्यक्ष कौन चुने गए थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बी राव अंबेडकर थे, कि भीमराव अंबेडकर थे, कि बी एन राव थे? जबकि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की बात आती है तो उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जबकि बी एन राव संवैधानिक सलाहकार, ये उपसमिति के थे। पंडित नेहरू क्या थे? पंडित नेहरू जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो किसके अध्यक्ष थे? वो आपके संघ संविधान समिति के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके थे? ये थे संघ संविधान सभा के थे। ये संघ संविधान सभा के थे, संघ संविधान सभा के थे, ठीक है, संघ संविधान सभा के कौन थे? पंडित नेहरू थे। उसके बाद अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष सदस्य थे? कितने थे? 7 थे, 6 थे, 5 थे, 4 थे? तो कितने थे? 6 थे। कितने थे? 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 थे। इसके 6 सदस्य कौन कौन से थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला थे, और बी एल मित्र थे, और डी पी खेतना थे। कौन थे? डी पी खेतना। ये 6 सदस्य इसके थे। जबकि टी टी कृष्णामाचारी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। जबकि टी टी कृष्णामाचारी भी थे इसमें, जबकि उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, उसकी जगह पे किसको बनाया जाता है? टी टी कृष्णामाचारी को बनाया जाता है। तो इसमें कितने? 6 सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाह कौन थे, सलाहकार कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एम राव, के एम मुंशी। तो इसके कौन थे? ये तो प्रारूप समिति के हो गए, ये तो स्थायी अध्यक्ष हो गए। के एम मुंशी क्या हो गए? के एम मुंशी तो नहीं थे, के एम मुंशी तो नहीं थे। तो कौन बनते? बी एन राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? बी एन राव थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 1 जुलाई 1947 को, कि 25 जुलाई 1947 को, कि 15 अगस्त 1947 को? भारतीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो कौन थे इसके? बता चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था
26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या अपनाया किस तिथि को गया था, किस तिथि को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, कि 26 जनवरी 1949 को, कि 15 जुलाई 1947 को। तो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, कि 15 जुलाई 1947 को। तो हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। सॉरी, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को यहाँ पर क्या होगा, इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था, कि यह एक शुभ दिन था, कि उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था कि 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस इस तिथि को मनाया था, इसीलिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, कि ब्रिटिश संसद द्वारा, कि भारत गवर्नर जनरल द्वारा, कि भारतीय संसद द्वारा। तो भाई जब संविधान बनाया किसने, संविधान सभा ने, तो संविधान सभा के द्वारा ही तो अपनाया जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में इनका निर्वाचन हुआ था, भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्य चुनने के लिए भीमराव अंबेडकर का चुनाव हुआ था। कहाँ से निर्वाचन हुआ था, पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, क्योंकि इससे पहले ये पश्चिम बंगाल से हुए थे, लेकिन बंगाल तो विभाजन के समय कहाँ, वो तो उसका पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, तो इसीलिए उससे मुंबई की सीट से इनको लड़ाया गया था, वहाँ से इन्हें निर्वाचन इनका हुआ था। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, कि 15 अगस्त 1951 को। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, जनगण मन को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था जनगण मन को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब और कहां से अंगीकृत किया गया है, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1947 को, कि 26 जनवरी 1948 को, कि 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया था, वो सारनाथ से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, सारनाथ से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, सारनाथ से इसको लिया गया था, सारनाथ से इसको लिया गया था। और ये कब लिया गया था, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था उसी दिन 26 जनवरी 1950 को लिया गया था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। उसके बाद किसने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह कथन था महात्मा गांधी का, किसका था, महात्मा गांधी ने कहा था
इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य था स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाने के बाद इसे खत्म कर देना चाहिए। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेसी और कांग्रेस भारत है। संविधान सभा कांग्रेसी है और कांग्रेस भारत है, सीआर एटली ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था। तो किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। किसने? ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी, 13 थी, कि 12 थी, कि 10 थी? तो कितनी थी? 15 सदस्य थी। कौन कौन सी थी? कुछ महिलाएं जैसे विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, और लीला लीला लायर थी, राणा हंसा मेहता थी। ठीक है, तो ये सभी लोग 15 सदस्य थी संविधान सभा में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा राज्य है, कौन सा सर्वोच्च है, कौन सा सर्वोच्च है? यहाँ पर होगा कौन सा सर्वोच्च है, कौन सा सर्वोच्च है, ये करेक्ट कर लेना। सर्वोच्च की बात की गई है, इसमें कौन सी चीज सर्वोच्च होगी? सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होगा, कि संविधान होगा, कि संसद होगा, कि धर्म होगा? तो हमारा जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से संसद के ऊपर सर्वोच्च क्या होगी? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के अंतर्गत ही चलता, तो सबसे ऊंचा कौन? संविधान। और फिर जनता दिया होता तो यहाँ पर जनता संविधान से भी ऊपर होती। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से। तो ऑस्ट्रेलिया से तो क्या ली गई? समवर्ती सूची ली गई है। रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। जबकि यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली ली गई। जबकि बचता क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, सोवियत संघ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ऑस्ट्रेलिया से बताया समवर्ती, कनाडा से गणतंत्रात्मक शासन, सोवियत संघ, रूस से क्या लिया गया? बताया मूल कर्तव्य लिए गए। और जबकि बचता क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से संकल्पना की गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, 1935 के संविधान संशोधन में, रूस के संविधान, तो किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से आए हैं? जापान से आए, रूस से आए, आयरलैंड से आए, यूएसए से आए। तो हमारा जो है आयरलैंड के संविधान से का आए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग चार में है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, और जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।